हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI स्टडी 2.0। दोस्तों, आज मैं ITI कैट 2024 GPT एग्ज़ाम के लिए इम्प्लूबिटी स्किल का क्लास स्टार्ट कर दिया है, जो कि फर्स्ट क्लास है और डेली ऐसे ही क्लास मिलते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और NCVT CVT एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्प्लूबिटी स्किल क्लियर कर देंगे दोस्तों, इसलिए आप लोग को वीडियो को फुल देखना है। तो जैसा कि देख सकते हैं, आप लोग को NCVT CVT एग्ज़ाम का 2 महीने बाद ही होने वाला है, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों, आज मैं इम्प्लूबिटी स्किल का फर्स्ट जो मॉडल उसको हम क्लियर करने वाले हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू इम्प्लूबिटी स्किल है। दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू इम्प्लूबिटी स्किल, इसी को आज हम सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे दोस्तों। तो जैसा कि देख सकते हैं, आप लोग को फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प एक रोजगार कौशल नहीं है। दोस्तों, कौन सा विकल्प एक रोजगार कौशल नहीं है? तो एक ए में है अच्छा धावक, बी में है अच्छा साक्षात्कार कौशल, और सी में है अच्छा संचार, और डी में है जल्दी सीखना। तो दोस्तों, आप लोग को गुड रनर यानी कि अच्छा धावक है, जो कि एक रोजगार का कौशल का विकल्प नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग को ऑप्शन नंबर ए है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कर्मचारी वह है जो खाली स्थान है, यानी कि कौन है जो कर्मचारी के रूप में है दोस्तों। तो यानी कि अध्ययन करने के लिए स्कूल जाता है, काम नहीं करता है, एक वेतन के लिए काम करता है, खेलने के लिए जाता है। तो दोस्तों, अध्ययन करने के लिए स्कूल कौन जाता है दोस्तों? तो स्टूडेंट जाता है, कोई कर्मचारी नहीं जाता है अध्ययन के लिए, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। काम नहीं करता है, जो कर्मचारी काम नहीं करेगा उसे कर्मचारी नहीं कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक वेतन के लिए काम करता है दोस्तों, तो ये संभावना है, यही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि करेक्ट आंसर है। और खेलने के लिए जाता है दोस्तों, खेलने के लिए कर्मचारी थोड़े ही नहीं जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छे करियर के विकास के लिए आवश्यक 2 कौशल कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है गायन, नृत्य, और सी है बागवानी, और डी है तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल। तो दोस्तों, जैसा कि अच्छे करियर के विकास के लिए आवश्यक 2 कौशल है, वो तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपी हमेशा अपने काम में सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहती है, उसके पास क्या है दोस्तों? तो प्यार है, प्रमाण पत्र है, विकास की मानसिकता है, मार्क्स कार्ड है दोस्तों। तो प्यार है, जो कि किसी भी सीखने और सुधारने का चीज़ नहीं है, यानी कि ये गलत है, और प्रमाण पत्र भी नहीं है दोस्तों। विकास की मानसिकता, आपके पास विकास की मानसिकता होना चाहिए, इसलिए आप लोग को ऑप्शन नंबर सी है, जो कि करेक्ट आंसर है। काम में सीखने और सुधारने के लिए क्या तैयार रहती है, यानी उसके पास विकास की मानसिकता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर सी है, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रोजगार कौशल का अर्थ क्या है दोस्तों? खाली स्थान है, रोजगार कौशल का अर्थ खाली स्थान है, यानी कि नौकरी पाने के लिए कौशल, एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल, अच्छे संचार के लिए कौशल, और ऊपर के सभी। तो दोस्तों, नौकरी पाने के लिए और एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए और अच्छे संचार के लिए, सभी के लिए है दोस्तों, यानी कि ऊपर के सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑन लर्निंग, शिक्षण, ई लर्निंग, मार्केटिंग। तो दोस्तों, जो जब हम कुछ ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे ई लर्निंग कहा जाता है दोस्तों, ई लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या क्या है दोस्तों? तो ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या है दोस्तों? हम किसी भी समय और कहीं भी से भी देख सीख सकते हैं दोस्तों। हमारे सहपाठियों के साथ दोस्त बने, तेजी से घर जाओ, लाइब्रेरी देखें। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है, जो करेक्ट आंसर है। हम किसी भी समय और कहीं भी से भी देख सकते हैं दोस्तों, सीख सकते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया में।
तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इनमें से कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है दोस्तों, फेसबुक, भारत स्किल, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। तो दोस्तों कौन इनमें से कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है, तो वो है भारत स्किल दोस्तों। भारत स्किल ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम एक कंपनी में एक फीटर के रूप में काम करता है दोस्तों। फीटर के रूप में काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति, वह अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को अपने खाली समय में अपग्रेड करना चाहता है, वह क्या करे। तो दोस्तों जो भी खाली समय बीतता है उस समय में वो व्यक्ति क्या करे, तो वो खेल कूद करे, ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। समाचार देखे, ये भी नहीं होगा दोस्तों। पाठ्यक्रम खोजे ऑनलाइन या ऑफलाइन। डी, क्विक नौकरी छोड़ दे दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेना ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसे चाहिए वह है पुस्तकें, कागज और कलम, मोबाइल फोन या कंप्यूटर। तो दोस्तों ई लर्निंग के लिए आप लोग को मोबाइल या कंप्यूटर चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज के समय में खाली स्थान कौशल कई नौकरियों में एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गई है दोस्तों। तो आज के समय में है जो कि अभिनय, डिजिटल चित्रकारी और नृत्य। तो दोस्तों आज के समय में है जो कि डिजिटल कौशल कई नौकरियों में एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गया है, यानी कि डिजिटल है, डिजिटलीकरण है, वो कौशल के विकास में आवश्यकता बन गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाली स्थान नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है दोस्तों। तो वो है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ग्रीन कारपेंटर। तो दोस्तों आप लोग को ग्रीन नौकरियां हैं जो कि प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है दोस्तों, ग्रीन नौकरियां। तो ये है ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरी नौकरियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं, वे अधिक प्रदूषण करते हैं दोस्तों। ये नहीं होगा दोस्तों, यह करना आसान है, ये भी गलत है दोस्तों। यह शहर में कर्मचारियों के लिए है, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कौन करता है दोस्तों, तो ग्रीन नौकरियां यानी हरी नौकरियां दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है दोस्तों, वह अपने खाली स्थान स्किल को बेहतर बनाने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुए है। तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, नृत्य, फाइटिंग, संचार, कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को संचार हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, वह अपने स्किल को बेहतर बनाने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुआ है। तो वह संचार हो जाएगा दोस्तों, यानी कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप किस विकल्प का सुझाव देंगे। ऑनलाइन रिटेल, ऑडियो कैसेट दुकान, फिल्म वीडियो किराए पर, जेरोक्स शॉप। तो दोस्तों राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप किस विकल्प का सुझाव देंगे। तो ऑनलाइन रिटेल दोस्तों, ऑनलाइन रिटेल ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।